की ग्रोथ के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि रियल एस्टेट में स्पेशली कि कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने अपने एक सर्टेन टाइम में किए हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि माशाल्लाह 5 सालों में 5 प्रोजेक्ट्स बीएसएम अभी जो है वो कर चुका है। और इससे भी बड़ी बात कि उन प्रोजेक्ट्स में से डिलीवर प्रोजेक्ट्स कितने हैं, माशाल्लाह 2 से 3 प्रोजेक्ट्स हम डिलीवर कर चुके हैं और माशाल्लाह फास्ट पेस डेवलपमेंट अभी जारी है। और बीएसएम ने सबसे पहले अपना लोहा मनवाया पाकिस्तान में तरक्याती काम, तेज तरीन तरक्याती काम करके। इसी सिलसिले में आज सब हम सब इकट्ठे हुए हैं, और बल्कि मैं सबसे पहले अनाउंस करना चाहूँगा कि बीएसएम डेवलपर्स ने फैसला किया है, इसका क्रेडिट ऑल गोज टू मिस्टर मलिक बिलाल, फरूख शहजाद साहब चेयरमैन जो हमारे, जरूर मसूद साहब, हमने ये फैसला किया है कि इंशाल्लाह दिसंबर 2024 में आपका गुजर खान का कंप्लीट प्रोजेक्ट डिलीवर होगा। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दिसंबर 2024 तक गुजर खान प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, हम अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे, डेवलपमेंट का काम दिन रात जारी रखेंगे और इंशाल्लाह बाय दिसंबर 2024 हम इसको कंप्लीट करेंगे। और माशाल्लाह, बल्कि आपको एक अच्छी न्यूज़ भी बताता चलूँ कि पिछले 1 से 1.25 साल के अरसे में हमारे कस्टमर्स 80% तक कंप्लाइंट कस्टमर्स हिस्ट्री है हमारे पास, जो लोग अपनी पेमेंट्स फुल पेड कर चुके हुए हैं। तो मज़ीद हम अब फेज़ टू की तरफ भी जाएंगे, डेवलपमेंट चार्जेस की तरफ। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, हमने आपको टाइम से पहले डिलीवर करना है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बाय दिसंबर 2024 हम इसको डिलीवर करेंगे। और साथ साथ आपके लिए इंशाल्लाह, बल्कि मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम कस्टमर्स ने जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, हमारे साथ चले, और इंशाल्लाह जहाँ पर हमारी बारी है, हमने डेवलप करना है, डिलीवर करना है, वो इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए वक्त से पहले इसको डिलीवर करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। इसकी मजीद डिटेल्स के लिए मैं चाहूँगा कि ब्रिगेडियर महमूद साहब आपको डेवलपमेंट के बारे में मजीद ब्रीफिंग दें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ब्रिगेडियर मोहम्मद महमूद आज़म है और मैं जुलाई 2022 से बीएसएम डेवलपर्स के साथ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। आप सबको मालूम है कि बीएसएम डेवलपर्स अब एक रियल इस्टेट की इंडस्ट्री में, हाउसिंग सोसाइटी की इंडस्ट्री में एक ब्रांड नेम बन चुका है। और हमारी टॉप मैनेजमेंट, जिसमें हमारे चेयरमैन मिस्टर फरुख शहजाद, सीईओ मिस्टर बिलाल बशीर मलिक और हमारे कंट्री हेड मिस्टर जारून मसूद, उनकी ये हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि हमने क्वालिटी प्रोजेक्ट और गिवन टाइम के अंदर इसको डिलीवर करना है। और जैसा कि आपको मालूम है कि अर्ली बर्ड ब्लॉक गुजर खान उसकी वाज़ह मिसाल है। आज से 4 महीने पहले हमने उसको डिलीवर किया और आज सैकड़ों लोग जो क्यू में लगे हुए हैं, जो वहाँ पर पोजेशन के बाद अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, वो मुख्तलिफ़ तमाम प्रोसेसेस कंप्लीट हो रहे हैं और कुछ लोगों ने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए अपनी डिमार्केशन और मटेरियल वहाँ पर लाना शुरू कर दिया है। हमारी टॉप मैनेजमेंट की हमेशा से ये डायरेक्शन रही है कि हमने जो भी वादा किया है उसको हमने इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। आप सबको मालूम है कि अर्ली बर्ड ब्लॉक में जो हमारा इस इलाके का सबसे बड़ा ग्लो एंड अम्यूज़मेंट पार्क है, उसकी ओपनिंग इंशाल्लाह 1 दिसंबर को होने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग जब अपनी फैमिलीज़ के साथ ग्लो और अम्यूज़मेंट पार्क को विज़िट करेंगे तो आप उससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे और आप उसमें बार बार आया करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी एमिनिटीज़ जो हम अर्ली बर्ड ब्लॉक में दे रहे हैं, उसमें मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहूँगा, वहाँ पर हमारे गेट हाउसेज़ हैं, हमारी कॉरपोरेट ऑफिस है, हमारी एक जामिया मस्जिद है जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 6 से 7 हज़ार के करीब लोग उसमें नमाज अदा करेंगे। हम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पर तामीर करने जा रहे हैं और एजुकेशन सेक्टर में रूट स्कूल के साथ जो हमारा जूनियर चिल्ड्रन स्कूल और IVY के साथ MOU हो चुके हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन पे भी काम शुरू हो चुका है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि क्वालिटी ने एक रिप्यूटेड कंसल्टेंट मिस्टर शहजाद अयूब साहब को अपने साथ रखा है, जो हमारे तमाम डेवलपमेंट काम की निगरानी कर रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि हमारा जो अभी सेकंड फेज़ जो कि 4-5 महीनों से ऑलरेडी स्टार्टेड है, लेकिन अभी हम फुल थ्रॉटल के साथ उसके अंदर जा रहे हैं, उसकी तमाम डिटेल्स वो आपके साथ शेयर करें। मिस्टर शहजाद अयूब सर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि साइट पर काम मुकम्मल ज़ोर शोर के साथ जारी है और हम लोग उस तमाम काम की निगरानी कर रहे हैं, और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग साइट विज़िट करें और वहाँ देखें कि किस तरतीब से और किस जाँफिशानी से सब लोग काम कर रहे हैं। हमने जैसा कि असद साहब ने आपको बताया कि हम दिसंबर 24 तक तमाम कामों को मुकम्मल करने जा रहे हैं, उसमें मैं आपको उसकी डेवलपमेंट कैलेंडर की तरतीब बता देता हूँ। ए साउथ ब्लॉक हम जुलाई 2024 में मुकम्मल करने जा रहे हैं, बी ब्लॉक सितंबर 2024 में, कैनाल व्यू लॉजिस ब्लॉक नवंबर 2024 में, और बी सेंट्रल ब्लॉक दिसंबर 2024 में। अब ये जो हमने जुलाई में या सितंबर, नवंबर और दिसंबर में जो आपको डेट्स बताई हैं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम ये उस वक्त आपको डिलीवर करेंगे। हम इसको डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर पोजेशन में आपके हवाले करते जाएंगे, और ये जो मैंने आपको तारीख बताई है ये इसकी कंप्लीशन डेट है, यानी हम ए साउथ ब्लॉक को जुलाई 2024 तक मुकम्मल कर देंगे। इस वक्त आपने देखा होगा कि मेन बुलेवार्ड और मेट्रो कैनाल जो ए साउथ ब्लॉक से गुजर रही है उसमें काम ज़ोर शोर से जारी है, और बेतहाशा मशीनरी, अगर आप वहाँ जाएँ साइट पे तो सैकड़ों की तादाद में मशीनें आपको काम करती हुई नज़र आएंगी। हमने बहुत सारा काम जो कि अर्थवर्क था वो काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया है, जिसकी वजह से अब आपको शायद वहाँ पे ये भी लग रहा हो कि जैसे मशीनों की तादाद वक्त के साथ थोड़ी कम हो रही है। वो कम इस वजह से नहीं हो रही कि हम काम को स्लो कर रहे हैं, काम इस वजह से हो रही है कि हमारा काम नीचे अर्थवर्क मुकम्मल हो गया है। अब हम सीवरेज, ड्रेनेज और उसके अलावा सब बेस और स्पॉट का काम करेंगे, फुटपाथ बनाएंगे, वो सारे तरतीब जब मुकम्मल होगी साथ हमने प्लॉट्स क्लियर करके आपके हवाले करते जाना है। तो इंशाल्लाह अगर आप देखें तो हमारे जो साउथ ए ब्लॉक है उसके अंदर 6 पार्क्स हैं जो हम डिलीवर करने जा रहे हैं। हमारा साउथ बी ब्लॉक के अंदर मेरिकल गार्डन है, सुपरनोवा स्कूल है, 4-स्टार होटल है, और पोठोहार आर्ट एंड कल्चर कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह बी सेंट्रल के अंदर हम मिनी गोल्फ पार्क और फूड कोर्ट और कम्युनिटी सेंटर को डिलीवर करने जा रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम हर तरह से वहाँ पर अपनी मैनेजमेंट की गाइडेंस के साथ एक बेहतरीन क्वालिटी वर्क कर रहे हैं, और हमें हम उसमें ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट और बेहतरीन लिविंग रहने को मिले, और आपकी तमाम मुश्किलात जो कि आने वाले वक्त में आनी है उनका हम पहले से ही तदराक कर लें। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि हम एक आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट दें, और आप जब आप गुजर खान में आकर मेट्रो सिटी में रहें तो आपको ये फ़ख्र महसूस हो कि आप एक बेहतरीन जगह पर रहते हैं। इस वक्त जो अंडर पास की पोजीशन है उसकी अप्रूवल हो चुकी है, और हम उसको 4 से 6 महीने के अंदर मुकम्मल कर देंगे। वी ऑल अंडरस्टैंड सर कि ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। इस पे जितनी हमारी रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन थी, जितनी हमने फ़ी उसमें उनको जमा करवानी थी वो हम तमाम जमा करवा चुके हैं। उनके साथ जो हमारा डाइवर्शन प्लान है इट इज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड, और उस पे काम ऑलरेडी तकरीबन 80% कंप्लीट हो चुका है। चूँकि ये जो हमारे करीब दूसरी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ऑलरेडी एक अंडरपास बन रहा था, तो जब तक वो अंडरपास कंप्लीट नहीं होता ये दूसरा अंडरपास वो शुरू नहीं कर सकते। बहरहाल जो हमारी उसके ऊपर जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और जैसे कंसल्टेंट फरमा रहे हैं कि इंशाल्लाह विद इन 4 to 6 months एट द मैक्स हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो हम ए साउथ और उसमें हम उधर दे रहे हैं सर, हम इसमें मस्जिद फरख जो है वो इस वक्त तामीर के मराहिल से गुजर रही है, उसके साथ एक बटरफ्लाई पार्क है बहुत ही खूबसूरत, वो भी साथ बन रहा है, और इसके अलावा 6 पार्क्स हैं जो कि हमने उसके साथ मुकम्मल करने हैं। मैंने आपको जो तारीख बताई है ए साउथ को मुकम्मल करने की, उसमें वो पार्क और ये मस्जिद और ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। अच्छा अच्छा सर, आपने अभी बात की थी मशीनरी के बारे से, अब मशीनरी के बारे से एक और वहाँ पे आया कि पिछले पहले बहुत तेज़ी से मशीनरी लगी हुई थी,
लेकिन पिछले एक दो महीने से देख रहे हैं कि ए साउथ और बी में अब उतनी मशीनरी वहाँ पे नहीं है, वो मूव कर ली गई है, तो उसकी क्या वजह होता है? सर उसकी वजह यह है कि जो मशीनों की तादाद है वो काम की तरतीब के अतबार से होती है। जब हमें अर्थवर्क करना होता है तो हमें ज़्यादा मशीनरी चाहिए होती है, जैसे जैसे अर्थवर्क ऊपर आता है तो एक ख़ास लेवल पर जाकर जब अर्थवर्क मुकम्मल होता है उसके बाद अर्थवर्क रोक के तो बाकी जो उसके साथ सीवरेज है, ड्रेन्स हैं और पाइपिंग है, वो सारी चीज़ें मुकम्मल की जाती हैं। उसके बाद दोबारा मशीनरी की तादाद बढ़ती है, जब आप सब बेस और बेस डालते हैं तो वो चीज़ें मुकम्मल होती हैं और प्लाटों को आप फाइनल करते हैं। तो ये काम की तरतीब की वजह से मशीनरी कम हुई है, इसकी और कोई वजह नहीं है। ओके अच्छा साहब, मुझे आपसे एक सवाल है कि आपने बताया कि हम फेज़ टू की तरफ जा रहे हैं, आपके जो पेमेंट प्लान है आप अब ये कंप्लीट कर चुके हुए हैं, जो कॉस्ट ऑफ लैंड है, अब हम डेवलपमेंट साइड के चार्जेस की तरफ जा रहे हैं, तो ये आप क्या देखते हैं कि अंदाजन हम इसको कब अप्लाई करेंगे और अंदाजन क्या रेट्स आएंगे पर मरला जो हम इसकी बात करते हैं डेवलपमेंट चार्जेस की? जी शरियार, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने अभी अपनी स्पीच में बताया कि अराउंड 80% हमारे कस्टमर कंप्लाइंट हैं जो कि एक्सक्यूज मी अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड फुल पेड कर चुके हैं। ठीक है, अब जिस लेवल की हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं और हम डिलीवर करने जा रहे हैं, तो नाउ वी आर इन द पोजीशन कि हम डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई करें और कस्टमर्स इसको हम इतना फ्लेक्सिबल रखेंगे कस्टमर्स के लिए कि किसी को पेमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अब कितने लगेंगे, कब लगेंगे, ये इंशाल्लाह आपको विद इन फ्यू डेज कंफर्म कर दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट प्लान भी शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह जो है ना वो हम इसको नेक्स्ट फेज में डेवलपमेंट चार्ज के फेज में लेके चलेंगे। आपकी बात से लग रहा है जिस तरह आप इसको एक साल में नहीं बल्कि एक साल से ज्यादा टाइम। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखें BSM किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा। ठीक है, पर्पस क्या है कि हर किसी के लिए, हम मुल्क के हालात भी जानते हैं, हर किसी के लिए इतना इजीली अफोर्डेबल पेमेंट प्लान हो कि देखिए मेरा फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि अगर मैं एक साल में प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा हूँ तो शायद मैं दो साल में पेमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, तो हमने इसको इतना फ्लेक्सिबल रखा है कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए और वो साथ साथ अपनी पेमेंट करता रहे और साथ साथ अपने पोजिशन लेते रहे। अच्छा, मज़ीद मैं दो चीज़ें और हाईलाइट करना चाहूँगा। जो डेवलपमेंट का प्लान अभी शहजाद अयूब साहब ने आपको सारों को ब्रीफ दिया है, उसमें से दो तीन पॉइंट्स मेन मेरे जेन में थे कि जो कि मैं आपको बताता चलूँ, जो कि बहुत हाईलाइट होने चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर वन, हमारी मेन बुलेवार्ड, ये जितनी भी हमारी ब्लॉक वाइज डिलीवरी चलेगी उसके साथ हम सबसे पहले मेन बुलेवार्ड के एक्सेस देंगे ताकि आप हमारे जो भी कस्टमर हैं साइट विजिट करने आते हैं वो एंड तक जा सकें, उनका एक्सेस होगा, ऑब्वियसली उनको साथ साथ काम होता नजर आएगा तो उनके लिए एक सेटिस्फेक्शन भी है, ऑब्वियसली वो पेमेंट कर रहे होंगे तो उनकी एक रिक्वायरमेंट होगी कि इनको प्रॉपर हर एरिया में मशीनरी लगी हुई काम करती नजर आए, नंबर वन। नंबर टू, जैसा कि अभी डेवलपमेंट कैलेंडर के मंथ वाइज ब्लॉक वाइज डिलीवरी आपको इन्फॉर्म की गई है, उसमें थोड़ा सा मैं आपको मजीद ब्रीफ करता चलूँ कि हमने ए साउथ जैसे जुलाई 24 उसका डिलीवरी टाइम है, उसके हम लोगों ने उसको हमने जोन्स में किया है। अब जो कंप्लीट ब्लॉक का डिलीवरी टाइम है दैट इज जुलाई 2024, लेकिन उसमें डिफरेंट जोन्स में आपको हर एक से डेढ़ माह के बाद डिफरेंट जोन्स में हम डिलीवरी देते जाएंगे और जो जो कस्टमर ऑब्वियसली उनकी पेमेंट साथ साथ चलती रहेगी और हम उनको डिलीवर करते रहेंगे और इंशाल्लाह ऐसे करेंगे कि आप उस पर मकान बना सकें और अपने कमर्शियल जो भी एक्टिविटीज है वो सारी आपकी चलती रहे, डेवलपमेंट आपके साथ साथ चलती रहेगी। और असल में जो ये कम्युनिटी बनाने का जो पर्पस है, जो मलिक बिलाल साहब का एक ड्रीम है, एक ऐसी कम्युनिटी प्रोवाइड करना जहाँ पे आप रह सकें अपनी फैमिली के साथ, एंटरटेन कर सकें फैमिली को और साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी चला सकें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम विद इन वन ईयर आपको एक कम्युनिटी डेवलप करके देंगे, गुजर खान का पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, अपनी कमिटमेंट्स को पहले की तरह फुलफिल करेंगे और आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये साथ साथ डिलीवर होना शुरू होगा आप लोगों को नज़र भी आना शुरू हो जाएगा और आप सबसे गुजारिश है कि हमारे साथ चलें, हमारे पे ट्रस्ट करें और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको और प्रोजेक्ट्स की भी आवाज़ें आ रही हैं, तो इंशाल्लाह हमारा विजन, हमारे चेयरमैन का, हमारे CEO का, हमारे कंट्री हेड का विजन यही है कि हम पहले वाली चीज़ डिलीवर करें और फिर हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ मूव करें। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए,
और इंशाल्लाह इसी तरह बात होती रहेगी, मुलाकात भी होती रहेगी। थैंक यू सो मच। एक लास्ट पॉइंट जो कि एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैं ये बताना चाहूँगा कि चूंकि हमारी मैनेजमेंट की ये पॉलिसी है कि आप आएँ और काम को होता हुआ देखें, तो जो लोग हमें देख रहे हैं अभी भी और आपने जिनकी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन्होंने वहाँ पे प्लाट्स लिए हुए हैं, वो अगर डेवलपमेंट के काम को वहाँ देखना चाहते हैं तो आएँ हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल फैसिलिटेट करेंगे और आप आके अपना इलाका और उसको डेवलपमेंट होते हुए देख सकते हैं।